अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और अभी 8 हो चुके हैं। इतना ज़्यादा ना इतनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा है और वो देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं और कम कम नज़र आ रही हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो सब्ज़ी लगी हुई है जिसमें लाल मूली, पालक और सलाद पत्ता, काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये लगी हुई है जी मकई, नहीं सॉरी गंदम, मकई नहीं गंदम। और वो आगे लगी हुई है ज्वार। और धुंध देखें आप, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आगे आगे से भी तो काफ़ी कम हो गया क्योंकि 8 हो चुके हैं। और छत पे आई थी रैबिट्स को रोटी डालने, तो रैबिट्स आप देख सकते हैं, बच्चे इनके माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं अभी, तो बैठे हुए हैं सर्दी में। ये भी अभी इनको आके रोटी डाली है, बाजरा डाला है, थोड़ा घास डाला है ताकि इनका पेट फुल रहे और गर्म रहे। और इस बेचारे को तो सब ने मार मार के इसका बुरा हाल कर दिया है। और आज मौसम जो सा ना, कल तो बारिश थी, आज बारिश नहीं होगी। आज धूप देखें, सूरज निकल रहा है और अल्लाह करे निकल ही आए, क्योंकि बच्चे जाते हैं छोटे छोटे लोगों के स्कूलों को और ठंड इतनी होती है कि बच्चे जो सा ना जा ही नहीं पाते। तो और फ्रेंड्स सुनाएं, आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम पे सब बिज़ी होंगे मुझे पता है। और मैंने तो ये देखें, ये एक डॉगी आ रहा है भागता भागता, ये देखें ज़रा, यहाँ पे बहुत सारे डॉगी हैं। इतने ज़्यादा जब इकट्ठा झुंड बन के आते हैं, बंदा एक दफ़ा डर ही जाता है कि ये पागल कुत्ते की तरह हमें काट तो नहीं रहे। सर्दी है बेहिसाब, धुआं सुबह सुबह का धुआं है। हाँ ये देखिए, कोई जर्सी पाउडर ही जा रहा है अपने घर को बेचारा, नहीं सॉरी मजाक कर रही हूँ, कोई पठान बाबा है या क्या है, ये किसी काम को जा रहा है बेचारा। तो आज जो से ना सर्दी है सदा, तो रैबिट्स के बच्चे अभी तक आते नहीं हैं बाहर। ये पता नहीं कब आएंगे, कपड़े भी गीले हो गए, मैंने छत पे रखे थे बच्चों की वजह से, ताकि ये जो है ना, मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इस फीमेल ने दिए हुए हैं बच्चे, और इसके बच्चे अब हो गया माशाल्लाह से 23 डेज़ के, और 23 दिन के हो चुके हैं, बाहर अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। चले कोई बात नहीं, जब भी आएंगे तो देख लेंगे। और वो पीछे मेल है, ये वाइट वाला भी मेल है, ये वाइट वाला भी मेल है, और एक वो अंदर ब्लैक बैठा हुआ है बच्चों वाली जगह में कमरे में, ये भी मेल है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो कल ठंड थी, रात को तो जो वीडियो बनाई पकोड़ों की और चिकन की वो भी आपके साथ शेयर कर दी थी, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मुंह से भी धुआं निकलता है। और जो लोग गांव में और देहातों में रहते हैं उनका तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो अभी नीचे भी बना हुआ है सारा गंद, क्योंकि कल भी कमरे में सफाई नहीं की थी, कंबल वगैरह नहीं उठाए थे क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कमरे से निकले ही नहीं। तो बस अभी इनको उनका पेट पूजा होगी है पूरी, इनको बाजरा रख दिया है, धूप निकल आएगी। और चिड़ियों को थोड़ा डालना है वहाँ पे बाजरा, वो डालती हूँ, और उसके बाद
ये 50 kg की मैंने बोरी मंगवाई थी चिड़ियों के लिए, तो आप देख सकते हैं कि बस थोड़ी सी रह गई, अब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जी फ्रेंड्स, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि परिंदों को ना लाजमी डालें खाना, ठीक है। ये मैं फुल कर देती होती हूँ, फिर मैं ये मुझे एक हफ़्ता दो हफ्ते टेंशन, दो दिन सॉरी एक हफ़्ता दो हफ्ता एक दिन दो दिन मुझे टेंशन नहीं रहती इनको ना बाजरा डालने की बार बार, क्यों कि फिर ये फुल होती है और दो दिन तीन दिन इनके आराम से ऊपर गुजर जाते हैं। ये देखें 50 kg की बोरी थी और बिल्कुल एंड पे चली गई अब, तो इंशाल्लाह बाज़ार जब चक्कर लगेगा अभी एक और इनके लिए लेकर आऊँगी। यहाँ से बाजार दुकान से मैं बाजरा मंगवाती थी, ये रैबिट्स का घास पड़ा हुआ है, तो 100 रुपये का जो उनसे ना 80-90 का 1 kg और 200 का जो उनसे ना वो मैं डेली मंगवाती थी 200-300 200-300, तो उस बाजरे का पता ही नहीं चलता था वो सुबह उससे एक ये भी जो उनसे ना फुल नहीं होती थी 200-300 तकरीबन 3 किलो 2 किलो से ज़्यादा और 3 किलो से भी ज़्यादा जिस वक्त भी मंगवाती थी। तो अभी जो उनसे ये बोरी माशाल्लाह से 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गए चल रही है। तो ये मैंने कपड़े धोए थे और इनको मैंने अभी आधे ले गई थी नीचे, आधे रहते हैं क्योंकि कल सर्दी थी और काम भी बहुत ज़्यादा था, लेटने वाला काम क्योंकि काम और तो कोई घर का किया नहीं और लेटने वाला काम काफ़ी ज़्यादा था। ये देखें जी आप सब मेरे पौधे, हाँ अभी इनको पानी डालना है, ये आपको ऊपर से ऐसे नज़र आ रहे हैं लेकिन नीचे से माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये फैले हुए हैं, इनको भी पानी नहीं डाला, धूड़ बहुत आती है ना यहाँ से बाहर से, तो इस वजह से ये सारी धूड़ इनके ऊपर पड़ी हुई है। और ये जो अंडों के छिलके हैं ना मैं फेंकती नहीं, वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इन गमलों में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये नीचे भी लगे हुए, यहाँ से ऊपर से आप देखें मनी प्लांट, और ये इनके ऊपर अभी धूड़ पड़ी है, बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं ना, तो ये भी आप देखें, माशाल्लाह से अच्छा ये पहले फैलती ही नहीं है, कभी जब कभी कोई लगाने की कोशिश करता है ना तो ये फैलती नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और जब फैल जाती है, फैलने शुरू हो जाती है, सूट आपको सूटेबल कर जाती है, तो फिर ये माशाल्लाह से ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा मैं भी आई थी किचन में, ये आपको अंडे के छिलके दिखाने के लिए, ये देखें ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं किचन में एक साइड पर रख देती हूँ ताकि जो उनसे मुझे डालने हैं ना उसमें गमलों में, तो फिर मैं देख लेती हूँ अपने हिसाब से जिस जिस गमले में डालना होता है डाल देती हूँ। तो रूम की आप देख सकते हैं गंदगी कि बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है अभी, लेकिन साफ़ तो फिर भी नहीं करना क्योंकि अभी तो आज लेटना ही है, लेटना है लेटना है लेटना है, सर्दी है। ये मैं आपको शीशे पे दिखा दूँ कि पानी कितना पड़ा हुआ है इस पे ना ग्लास के ऊपर जो विंडो है बाई साइड की, तो आज धूप निकलेगी माशाल्लाह से और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब धूप निकलेगी तो फिर छत पे जाऊंगी। तो आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, मुझे भी दुआ में याद करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।